ऑलराइट तो भाई लोग फाइनली 13 साल बाद जेम्स कैमरन की अवतार 2 थिएटर्स में लग चुके हैं और सही में मुझे पता है कि शायद ये करने के बाद मैं तुम्हारे ब्लैक लिस्ट में जा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे लिए पिक्चर कुछ एवरेज थी। क्यों? क्योंकि पूरा वीडियो देख लो, कुछ समय में आ जाएगा। और अगर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद तुम पिक्चर को सही से एंजॉय करना चाहते हो सके तो मैंने जो गलती करी है उसको अवॉइड करना। वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूँ, तुम मन लगा के देखना, तुम्हारी काम की चीज है ये। तो पॉइंट नंबर 1, जल्दी से जाके इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर तुम सब्सक्राइब करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी और मुझे खुशी मिलेगी तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, और मैं अगर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा तो मुझे मेंटल पीस मिलेगी, और अगर तुम्हें मेंटल पीस मिल गई तो तुम पिक्चर को सही से एंजॉय कर पाओगे, और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो वेल मैं तुम्हें अभिशाप दूंगा कि तुम्हें 3 घंटे की पिक्चर में 10 बार सुसु आ जाए और तुम पिक्चर को सही से एंजॉय ना कर पाओ। Alright, तो अवतार 1 को आए हुए ऑलमोस्ट 13 साल बीत चुके हैं। वो 2009 में आई थी और ये 2022 में। रियल लाइफ की तरह पिक्चर में बहुत कुछ चेंजेस हो चुके हैं। जेक सुली अपना घर का लौंडा है, वहाँ पैंडोरा में सेट हो चुका है, नावियों के साथ काफी अच्छा मॉर्निंग बना चुका है और अब तो उसके बच्चे भी हो चुके हैं। और सही में यार, अपने जेक भाई के लौंडे इतने बदमाश भाई साहब, पिक्चर मानो जैसे बनती नहीं अगर ये शांत बैठते। ऑलमोस्ट पिक्चर के हर एक बड़े बड़े इवेंट्स के पीछे इन बच्चों का हाथ है, लेकिन पिक्चर में घटे कुछ इवेंट्स के चलते धरती के लोग फिर से जेक सुली और पैंडोरा के पीछे पड़ जाते हैं। अब क्या जेक सुली पैंडोरा को फिर से बचा पाएगा या फिर इस बार नावी हार जाएंगे? जानने के लिए तुम्हें पिक्चर देखनी पड़ेगी थिएटर्स में। ऑलराइट, तो ये तो गया पिक्चर का बेसिक इंट्रो, अब आते हैं असली मुद्दे पे। तो पिक्चर 3 घंटे 10 मिनट की है। 3 घंटे की ये बड़ी बात नहीं है, पिक्चर एंगेजिंग रहती है। ये 3 घंटे कोई मैटर नहीं करती, जैसे कि एवेंजर्स इनगेम के वक्त हुआ था। पिक्चर इतना एंगेजिंग रहती है कि वो 3 घंटे भी हमारे लिए बहुत कम थे, हमें तो और भी चाहिए था। लेकिन अगर वहाँ पे पिक्चर थोड़ी गिर जाती है, थोड़ी एंगेजमेंट कम रहती है, उसकी बोरिंग बन जाती है, वहाँ पे वो एक्चुअली टाइम मैटर करता है। और अवतार 2 में यही हुआ, क्योंकि पिक्चर में कुछ ऐसे सीन्स है ना जो कुछ खास रीजंस नहीं बनाती, उसको डालो या ना डालो उससे पिक्चर में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो पिक्चर की वीएफएक्स एंगेजमेंट को बना के जरूर रखती है, लेकिन अगर ऑर्डिनरी फिल्म पैनल पे तुम उसको देखोगे तो 100% तुम उसको रिग्रेट करोगे। वो छोटे छोटे बोरिंग इंटरवल बहुत लार्ज फील होंगे। अब इसको इतना श्योरली क्यों बता पा रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा भाई वहीं से कटवा के आ रहा है। जहाँ किसी दूसरे पिक्चर के ऊपर मैं 300 रुपए खर्चा करता हूँ, वहीं पे मैंने इस पे ऑलमोस्ट 300% ज्यादा 900 रुपए खर्चा किया, और रिजल्ट क्या मिला? मीडियोकर, एक्सपीरियंस खराब हो गया, वो तो अलग बात। इसलिए अगर तुम अवतार 2 देखने जा रहे हो तो कोशिश करना, अगर अफोर्डेबल हो तो किसी अच्छे सिनेमा हॉल में देखना, वरना बाद में जब OTT में वो आएगा तब एटलीस्ट टीवी पे चला के देखना, तब शायद तुम उसको जाके ऑलमोस्ट 70-80% तक उसको सही से टेस्ट कर पाओगे, वरना वो तुम्हारे लिए खराब हो जाएगा एक्सपीरियंस। और स्टोरी से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आई गेस अगर तुम ये पिक्चर देखने जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम इसके स्टोरी को लेकर एक्साइटेड नहीं होगे, तुम इसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिनेमेटिक एक्सपीरियंस के लिए ही जा रहे हो। और अपने जेम्स सच्चा भी ये बात अच्छे से ही जानते हैं, इसलिए उन्होंने लगभग 2500 करोड़ की जायंट मैमथ अमाउंट पिक्चर में ऑलमोस्ट तुम कह सकते हो VFX के ऊपर उन्होंने फूका है। क्योंकि 3 घंटे की पिक्चर में ऑलमोस्ट हर एक जगह पे, हर एक फ्रेम में कहीं ना कहीं VFX का यूज किया गया, और ये VFX इतने जेन्युइन और बिलीवेबल लगता है ना भाई कि तुमको बार बार खुद को इस महानगरी से बाहर लाना पड़ेगा और खुद को बताना पड़ेगा कि नहीं, ये हकीकत नहीं है, ये सब कुछ कंप्यूटर जनरेटेड है। इतने बेहतरीन VFX के इसके, और VFX आर्टिस्ट को इससे बड़ा प्रेज और क्या ही मिल सकता है। VFX के साथ साथ इसकी BGM भी बहुत बढ़िया, ऑल्दो मुझे फर्स्ट वाले का ज्यादा पसंद आया था, लेकिन इसे भी कम चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और पिक्चर तो ऑलमोस्ट बवाल है, लेकिन आखिर के 30 मिनट्स बहुत बवाल है। वहाँ के हर एक एक्शन सीन्स, हर एक ड्रामेटिक सीन्स तुम फील कर पाओगे, वही असली माल है पिक्चर की। तो ओवरऑल इसका फाइनल आउटकम, पिक्चर तुमको मजा देगी, इसमें कोई दोहराए नहीं, लेकिन इसके लिए कुछ संसाधन चाहिए। अगर तुमने एक बार स्थान, काल, पात्र सब कुछ सही से बंदोबस्त कर लिया तो ये चलचित्र तुम्हें ऑर्गेजम देने में चूकेगी नहीं। And that's it. So with that being said, वीडियो अच्छी लगी, मजा आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और अगर इसी के साथ तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कर देना चैनल को। और हाल फिलहाल में मैंने इसके ऊपर कुछ बातें करी थी, इसको भी एक बार चेकआउट कर लेना। और इसी के साथ अगर तुम्हें मेरे साथ कोई पर्सनल वन-टू-वन कनेक्शन बनानी हो तो नीचे मेरे सारे सोशल मीडिया चैनल्स की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर तुम लोग मुझे फॉलो वगैरह कर सकते हो, बिल्कुल ही फ्री है वो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय।